हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी बनने वाला पार्टी स्नैक्स। इसे आप होम पार्टी में एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए पहले पैन में 1 टीस्पून बटर डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इस टाइम पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, नहीं तो बटर जल जाएगा और चिली और टर्मरिक भी जल सकता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। आपको जितना पनीर रोल बाइट्स बनाना हो उतना क्यूब डाल सकते हैं एक ही साथ। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। इसे बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं, तो आप बच्चों के लिए ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा कुछ अलग सा खाने का मन होता है। आप इंग्रेडिएंट वही यूज कीजिए, बस शेप चेंज कर दीजिए तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, तो ये बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब ये फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद सैंडविच ब्रेड लेंगे, उसका जो एज है उसको काट कर निकाल देंगे ऐसे। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए। आप फ्रेश ब्रेड ही यूज कीजिए इसमें, क्योंकि इसे रोल करना है तो ऐसे टूट जाएगा वो। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद पनीर का एक टुकड़ा लेंगे और इसमें बीच में रखेंगे ऐसे, और इसको रोल कर देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्टार्टर है, और खाने में उतना ही डिलीशियस लगता है। और टूथपिक से ऐसे सील कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। देखिए बिल्कुल इस तरह से, बस लॉक कर दीजिए टूथपिक से। अभी देखने में कितना क्यूट लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। बस ऐसे ही सारे जितना भी आपको बनाना हो सबको लॉक कर लीजिए एक बार। उसके बाद फिर पैन में हम बटर डालेंगे। इसके बाद सारे पनीर रोल बाइट को थोड़ा सा सेक लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, नहीं तो बटर बहुत ही जल्दी जल जाता है और ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा फिर अगर हाई रखेंगे तो। इसे बनाने में बस 5 से 7 मिनट लगता है टोटल टाइम। आप ऐसे भी शाम में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। पनीर तो बहुत ही हेल्दी होता है और कुछ भी फ्राई किया हुआ नहीं है। आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। बस हल्का सा और ब्राउन करना है ताकि थोड़ा सा खाने में क्रिस्पी लगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर पनीर बिल्कुल सॉफ्ट। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब ये हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। जिसमें भी आपको सर्व करना हो कुछ इस तरह से आप रखिए और सर्व कीजिए, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके ऊपर केचप डाल देंगे, क्योंकि केचप भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, या फिर मायोनीज या केचप जो भी पसंद हो वो आप डालिए। उसके बाद सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इजी क्विक एंड डिलीशियस स्नैक्स है ये, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही
डिलीशियस रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। थैंक यू।